अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम ऑफ विद अनदर ट्यूटोरियल और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपने इनर कैप पहन लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और कोई भी इस तरीके का कपड़ा ले लीजिएगा, छोटा सा हिजाब टाइप अगर आपके पास है तो। नहीं है तो मैं वही अगेन आपको यही बोलूँगी कि ढूंढ लें कोई अपने दर्जी के पास से, कोई ना कोई पीस बचा हुआ ही होगा उसके पास, ठीक है। तो ये इस तरीके से पीछे से लाके, ठीक है, आपने ऐसे ले लिया है, ठीक है। और यहां से लाके आपने इसको ऐसे करके इसी तरीके का जिगजैग जो शेप है वो दे देना है, ठीक है, जैसे अंडर स्कार्फ में दिया हुआ है, ठीक है। शायद ज़्यादा नुमाया ना हो, मैं पिक्चर्स लगाऊंगी उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है, सही है। अब जो मेन है इसमें ज़्यादा कोई इतनी सेटिंग और ज़्यादा स्टाइल, मतलब इतना ज़्यादा लंबा काम नहीं है, ताकि आप जल्दी से तैयार भी हो सके, ठीक है। कोई भी आपके पास इस तरह का कोई पीस हो, कोई हेड पीस हो, कोई हेयर बैंड हो, कोई हिजाब लेस हो, लेस वाले के पास भी जाके आप अभी भी ले सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें आइटम्स अपने पास रखा करें, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से अपने सर पर लगा लेना, ठीक है, और पिनों की मदद से इसको आप सील कर लीजिएगा। ये आपको बहुत आसानी से लेस के बाद मैचिंग का हिजाब लेके जो भी आपकी ड्रेस में हो, मेरा ड्रेस पिंक और ब्लैक है, तो मैं इसको इस तरीके से नीचे से लेकर आती हूँ। मेरे पास कॉटन जर्सी हिजाब है, आप कोई भी हिजाब ले सकते हैं, शिफॉन ले सकते हैं, विस्कोस ले सकते हैं, मेरे पास ये कॉटन जर्सी है, ठीक है। उसके बाद इसको आपने यहाँ चेन पे ऐसे रखा, ठीक है, दोनों तरफ इस तरीके से बराबर लेना है। कोई भी जो बड़ी पिन होती है उससे आपने ऐसे करके इसको पीछे से पिन अप कर देना है, ठीक है। अब आपने अपने हिजाब को अपने ही मुताबिक एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, आपको किस तरह से रखना है, ठीक है। फिर आपने इस तरीके से पीछे से पिन अप कर लेना है, और ये जो लेफ्ट ओवर हिजाब है जो आप पीछे ले गए हैं, इसको पीछे से ला के ये जो मजीद हमने यहाँ पर जो जोड़ लगाए थे इसको कवर कर लेना है, वरना पीछे से, ताकि आपका हिजाब बुरा ना लगे। फिर आपने इसको सील कर लेना है यहाँ इस तरीके से, और अपने मुताबिक इसको आप जिस तरह से चाह रहे हैं, जितनी लेयर्स देना चाह रहे हैं आप लेयर्स दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना निकाब बाहर कर लूँ, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है थोड़ा सा अगर और आपने शौक करना है तो आप जो है इसमें मजीद और एक्सेसराइज कर सकते हैं, इयररिंग्स पहन के, क्यों नहीं, ठीक है। तो अंदर वाली पार्ट में इस तरीके से अपने इयररिंग्स पहन लीजिएगा, अगर आप उसको मजीद और एक्सेसराइज करना चाहते हैं तो, नहीं चाहते तो सिर्फ आपका टियारा ही काफी है आपके लिए, या जो अपने सर पे पहना हुआ है ताज, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप, छोटे छोटे पीसेस ले सकते हैं कपड़ों के पीसेस का, पूरे एक्सेसराइज कर भी लिया है, तैयार भी हो गए हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा है। अच्छा, और फ्रंट कवरेज भी है आपके पास, ठीक है, बैक पे फुल कवरेज है आपका, आपका स्टाइल भी आ गया है। तो होप आपको ये वाला स्टाइल बहुत पसंद आया होगा, प्लीज 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 शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने रिश्तेदारों को, कजन्स को, फ्रेंड्स को, जिनकी शादियां होने वाली हैं उनको जरूर ये वीडियो भेजें, और कुछ हमारी भी हेल्प हो जाएगी। तो अंटिल नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला, कुछ नया लेकर आऊंगी आपके लिए, हो सके तो। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, थैंक यू सो मच।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मा सलाम।